पहली बार हमने जिक्र किया कि हम राजस्थान की इकोनॉमी को 350 बिलियन डॉलर बनाएंगे। आप जब इकोनॉमी की साइज बढ़ाते हो तभी तो रोजगार के अवसर आते हैं, तभी सुशासन आता है, अदरवाइज कैसे आएगा जी। इन्होंने इकोनॉमी को टच ही नहीं किया, मेरे तो समझ में नहीं आया ये शासन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। इस बार आप जो है चोपर से उड़े, बहुत जगह गए, सभाएं की आपने, यहाँ पर भी तारानगर जैसी हॉट सीट है, किस तरह से देखते हैं आप अपने दौरों को और क्या लगता है जहां जहां आप गए वहां पर क्या परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए तारानगर भी मैं जाकर आया, निश्चित रूप से हमारे राजेंद्र जी राठौड़ वहां से प्रत्याशी है और चुनाव जीतेंगे। कहा जा रहा है आपको लेकर कि आप भी एक मुख्यमंत्री के दावेदारों में से एक है, क्या अर्जुन मेघवाल ऐसा मानते हैं? हमारा विषय ही नहीं है, संसदीय बोर्ड का विषय है। तो देख सकते हैं आप अर्जुन मेघवाल जिन्होंने कहा है कि जो है मतदान जरूर करें, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि संकल्प पत्र जो बनाया है राजस्थान में जो है डेवलपमेंट एक ऐसा मुद्दा है, गवर्नेंस मुद्दा है जिस पर राजस्थान वोट कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है